तुम्हारा नाम लिखाओ, पहले ये ढूंढो ये लिखाओ कहाँ। ये तुम क्या कर रहे हो, इतना सारा कहाँ से, कौन से पेट में खाऊंगी मैं इतना सारा। हेलो फैमिली, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो कल है तीज और मैं उसकी प्रिपरेशन एक दिन पहले से कर रही हूँ, क्योंकि सब कुछ खुद ही करना है, अकेले करना है। ये वैसे तो मेरा दूसरा तीज है, पर मेरे हस्बैंड के साथ यूरोप में मेरा पहला तीज है, इसलिए मेरे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो मुझे सब कुछ, हर चीज़ परफेक्ट करनी है, जो भी मुझे आता है, जितना भी मुझे आता है, मुझे सब कुछ करना है जो भी मैं कर सकती हूँ। तो चलो तैयारी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे पूजा रूम साफ करना है, क्योंकि कल मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होने वाला और ना ही मेरे में इतनी ताकत होने वाली है कि मैं कल पूजा रूम साफ कर पाऊँ। तो मैं आज ही चाहती हूँ कि मैं आज ही सारा साफ सफाई कर लूँ पूजा रूम की, ताकि मुझे कल ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। घर भी मैंने आज बहुत अच्छे से साफ कर लिया है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जो भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। फाइनली मेरा पूजा रूम बिल्कुल साफ हो चुका है, भगवान जी का मैंने अच्छे से साफ कर लिया है, ताकि मुझे कल ना करना पड़े। मतलब याद नहीं हो पाता ना सेम डे में, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सेम डे में सब कुछ कर लेते हैं, पर मैं नहीं कर पाती, इसलिए मैं एक दिन पहले ही सब कुछ कर लेती हूँ। तो अब रही बात मेहंदी लगाने की, और यहाँ यूरोप में मेहंदी लगाने वाला तो बहुत कम है, मतलब मैंने अभी तक नहीं, मेहंदी लगाने वाला आर्टिस्ट यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। अगर कोई मिल भी गया तो उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, उन्हें पता है कि मैं एक पेंटिंग आर्टिस्ट हूँ और साथ ही साथ मेहंदी आर्टिस्ट भी हूँ। तो मैं अपनी मेहंदी कोशिश करती हूँ कि मैं खुद ही लगाऊँ। तो मैं अपने लेफ्ट हैंड में तो मेहंदी लगा लेती हूँ, पर मैं लेफ्टी नहीं हूँ, इसलिए मैं राइट हैंड में नहीं लगा सकती। तो राइट हैंड का बाद में देखेंगे, पहले लेफ्ट हैंड का लगा लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको मेरी मेहंदी कैसी लगी, और मैं इसमें अपने हस्बैंड का नाम भी छुपाने वाली हूँ, देखती हूँ वो ढूंढ पाते हैं या नहीं।
आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं नेल पेंट पहले लगा लेती हूँ, उसके बेनिफिट जो है ना वो जब मैं पीछे मट्ठा करती हूँ तो वो मुझे पता लगते हैं। जब मैं पीछे मट्ठा कर रही होती हूँ ना तो मुझे फिर ध्यान नहीं देना पड़ता कि अरे यार नाखून में तो कहीं नहीं लग रहा, कहीं मेरा नेल पेंट ख़राब तो नहीं हो जाएगा। तो ना आप ऐसा जल्दी जल्दी कर सकते हो और जब मेहंदी सूखेगी तो वो अपने आप निकल जाएगा। तो ये नेल पेंट पहले लगाने का एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। कुछ लोग हैं जिनको मेहंदी पसंद है नेल नाखून में, तो वो नेल पेंट नहीं भी लगाते, डायरेक्ट मेहंदी अप्लाई कर देते। सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। रही मेरी मेहंदी का फाइनल लुक। खाना मैंने पहले ही बना के रख लिया था क्योंकि मेहंदी लगाने के बाद खाना नहीं बनता, तो अब ये खाना निकाल देंगे और मैं खा लूंगी और फिर नेक्स्ट दूसरे हाथ की मेहंदी हम स्टार्ट करेंगे। खा लेंगे ना मिर्च का चाय इतना? हाँ खा लूंगी। इनके हाथ में मैंने अपना छोटा सा नाम लिखा है और इस बार इन्होंने बहुत अच्छी मेहंदी लगाई, मतलब मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। After we meet. जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून छ ओए ओए ओए। अब बताओ, वैसे तो ये परफेक्ट है। और ये रहा मेरे दोनों हाथों के मेहंदी का लुक। और आप बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करोगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में सच सच बताना किसकी मेहंदी ज्यादा अच्छी लग रही है, ठीक है? कोई चीटिंग मत करना। और अब ये जो तैयारी है वो मेरे फास्ट रखने से पहले वाले की तैयारी है, इसमें फ्रूट्स खा सकते हैं। गुड मॉर्निंग फैमिली, फाइनली सुबह हो चुकी है और ये रहा कुछ मेरी मेहंदी का लुक। तो आज है तीज और मेरे पति के साथ ये मेरा पहला तीज है और आप सबको तीज की खूब सारी बधाइयां। आप लोगों का तीज जो है वो बहुत ही अच्छा जाए। आज की धूप भी अच्छी लग रही है। तो सबसे पहले मैंने नहा धो के सुबह वाले पूछा कि आप इस बार ड्रेसिंग सेंस पे बिल्कुल भी मत जाना क्योंकि यहाँ सूट और साड़ी नहीं मिलती है। पूजा पाठ खत्म करने के बाद मैं यहाँ अपने हस्बैंड की ड्रेस की तैयारी कर रही थी क्योंकि मेरी साड़ी तो प्रेस थी, इनका कुर्ता जरूर खराब हो गया था और ये बिना प्रेस के कपड़े नहीं पहनते। इनका जो कुर्ता है वो प्योर सिल्क का है और ये छत्तीसगढ़ इंडिया में मिलता है, मैं वहीं से लेके आई थी। हस्बैंड के कपड़े रेडी करने के बाद मैं यहाँ अपने कपड़े निकालने गई और यहाँ पे मैंने अपनी कुछ साड़ी दुपट्टा जो शादी का था मैं वो निकाला, अपनी कुछ ज्वेलरीज निकाली, बैंगल्स निकाले। बैंगल्स भी मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही चूड़ा लेके आई हूँ जो मैंने शादी में पहना था क्योंकि लगेज का बहुत ज्यादा इशू था, तो मैं बैंगल्स भी नहीं लेके आई। नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगी कि बैंगल्स जरूर ले आऊं। और ये रहा हम दोनों का हमारे पहले तीज का फाइनल लुक। अगर आपको मेरे तीज की सारी वीडियोस देखने, रील्स देखने, तो आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट चेक कर सकते हैं, कल्याणी रोहित। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। रेडी होने के बाद मैंने कथा करी और कथा करने के बाद हम दोनों ने साथ मिलकर पूजा करी। मुझे आगे के सॉन्ग में बीच में म्यूट करना पड़ेगा वरना जल्दी से कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, तो आप वो सॉन्ग में थोड़ा मैनेज कर लेना। सॉन्ग आप इंस्टाग्राम अकाउंट से देख सकते हैं।
ये थे हमारे तीज का पूरा प्रिपरेशन। अगर हम इंडिया में होते तो शायद थोड़े और अच्छे से कर पाते, पर यहाँ नहीं पॉसिबल हो पाता। पूजा पाठ करने के बाद हम चले गए नाइट ड्राइव के लिए, और रात में यहाँ का व्यू और भी अच्छा हो जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि मैं कोई भी नोटिफिकेशन डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहो और खुशियां फैलाते रहो।